जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय कलीग्स। मेरा नाम रोहित है और मैं आपके सामने फिर आ चुका हूँ डिफेंस करंट अफेयर लेके। एनडीए डिफेंस करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे चलेगा, मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था और ये प्रॉमिस मैं हमेशा निभाऊंगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बेसिकली माय नेम इज रोहित रानवे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए ये मैं इन्फॉर्मेशन डेली शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, तो ये देख सकते हैं। एक्सपीरियंस 6+ ईयर का हो चुका है मुझे। ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड पॉलिटी मैं पढ़ाता हूँ और काफ़ी सारे डिफेंस एग्जाम मैंने खुद दिए हैं और क्वालिफाई किए हैं, जिसमें UPSC, CDS, CAPF, FCAT एंड ICG इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मेरा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है ये सब चीज़ों में, तो यही सब कुछ मैं आपके साथ साझा करता हूँ। और मेरा यही कहना है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको उतनी ही हेल्प मिलेगी कि वो सिलेक्शन ले पाए। बेसिकली NDA का हमारा टारगेट है। लेफ्टिनेंट फाउंडेशन कोर्स हमारा बेसिकली स्टार्ट हो चुका है, तो कवर ऑल द रिलेवेंट करंट अफेयर जो कि मैं करवा रहा हूँ, और जो स्पेशली जो हमारे बैच में ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, जो हमारे क्लासरूम में आते हैं, उनके लिए NCERT कवर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। डाउट सॉल्विंग सेशन कंडक्ट कराए जाते हैं और नेक्स्ट है NDA स्पेशल फोकस स्टडी। NDA स्पेशल फोकस स्टडी जो कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है नवंबर 20 तारीख को 2023 में, जो कि अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट होगा 2024 में। उसके साथ डेली 6 to 8 आवर स्टडी प्लान है और कंप्लीट NCERT का फोकस रखा जाएगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है प्लीज विजिट अवर ब्रांच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू मोर अपडेट्स। ठीक है, आज थोड़ा हम लोग करंट अफेयर को तो स्टार्ट करेंगे पर कुछ क्वालिटी के जो आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, हम थोड़ा उस पे नजर डालेंगे। आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले है, सॉरी ये ज्यादा ब्लर हो रहा है, हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 16 बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आप लोगों को ध्यान से और धैर्य से चीजों को सुनना है और समझना है, ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट करेगा। मेरा यही कहना है जितना आप धैर्य से सुनेंगे चीजों को उतना ज्यादा समझ में आएगा। आर्टिकल 16 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इसी को अमेंड करके क्या किया गया था, EWSI इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जो कि 10% राइट्स प्रोवाइड करती है। किस बेसिस पे लाया गया था कि हर वो एक नागरिक जो हमारे देश में रह रहा है उसको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ठीक है। और दूसरी चीज, वुमेन्स को राइट मिले, हिंदू को राइट मिले, मुस्लिम को राइट मिले, SC ST को राइट मिले, बिहारी तमिल, मतलब यहां ऑल द सेक्टर्स, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमने ये टारगेट रखा हुआ है और हमारे फंडामेंटल राइट में जो चीज लिखी हुई है उसका ये सीधा सा मतलब है कि इक्वलिटी, सब इक्वल हो, इक्वल 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 मतलब इक्वल होने चाहिए, ह्यूमंस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये तर्ज पे अंडर आर्टिकल 16 आपकी सहायता करता है और गवर्नमेंट को बाध्य करता है कि आपको इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराई जाए कि आपको एक इक्वल मैदान मिले, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा डिस्कशन था अंडर आर्टिकल 16 को लेके, और मेरा ये मानना है आप समझ पाए होंगे कि अंडर आर्टिकल 16 कितना इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, और जो हमारे फोर फादर्स थे जिनने कॉन्स्टिट्यूशन को
बहुत ज्यादा मेहनत करके फ्रेम किया है, तो मेरा मानना है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो अब आज हम आगे देखते हैं, हमारा करंट अफेयर देखते हैं किस बेसिस पे आज करंट अफेयर रहे हैं। और बेसिकली जो स्टूडेंट मेरे पुराने हैं जो कि जुड़ चुके हैं उनको पता होगा कि करंट अफेयर कहाँ कहाँ से मैं लेता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। करंट अफेयर बेसिकली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यहां से मैं लेता हूं और योजना मैगजीन वगैरह से भी मैं करंट अफेयर लेता हूं। ठीक है, आज की न्यूज क्या है, व्हाट इज अ सिकल सेल एनीमिया, कैन इट बी द एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। ये थोड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है क्या। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है फ्रेम किया गया है कि सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2024। आपके एग्जाम में जो कि बेसिकली आने वाला है एनडीए का एग्जाम, उसमें क्या पूछेगा, सिकल सेल एनीमिया कब तक एलिमिनेट करने का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा, तो 2024। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। दूसरी चीज, सिकल सेल डिसीज होता क्या है, इज एन इनहेरिटेड ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर दैट इज जेनेटिक इन द नेचर, मतलब ये ब्लड के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आता है। नेक्स्ट, इट इज यूजली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ। ठीक है, ये बेसिकली चाइल्ड के अंदर कहां से आएगा, पेरेंट्स के, जब वो बर्थ होते हैं चाइल्ड उस टाइम पे एज यूजली ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, बोथ पेरेंट्स कैन बी कैरियर ऑफ एसटीडीज, मतलब मेल भी कैरी कर सकती है या फीमेल भी कैरी कर सकती है। यहां तक मुझे लगता है समझ में आया होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता तो डेफिनेटली विल बी सॉल्व। नेक्स्ट, एनजीओ साथी बैग्स बाल स्नेही अवार्ड, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा टॉपिक भी मुझे लगा और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया भी है यहाँ से और पुट आउट किया हुआ है। एनजीओ साथी बैग्स बाल स्नेही अवार्ड, कौन सा अवार्ड, बाल स्नेही अवार्ड किसको मिला है, साथी बैग्स, कौन सा है, एनजीओ। ठीक है, द अवार्ड सेरेमनी वॉज हेल्ड एट यशवंत राव चौहान प्रतिष्ठान ऑडिटोरियम एंड अटेंड बाय द वुमेन एंड द वेलफेयर मिनिस्ट्री, जो कि उसकी मिनिस्टर कौन है, अदिति तटकर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहां हुआ था अवार्ड, ये यशवंत राव चौहान प्रतिष्ठान ऑडिटोरियम और अटेंड किसने किया था, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर अदिति तटकर। ठीक है, नेक्स्ट, साथी एनजीओ एक्टिवली एंगेज इन द लोकेटिंग एंड रेस्क्यूइंग द मिसिंग एंड द रनवे चिल्ड्रन, मतलब बेसिकली ये एनजीओ क्या काम कर रही है, जो कि गरीब बच्चे होते हैं, जो कि स्ट्रीट पे बेगरी का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, उनको रेस्क्यू करने का काम कौन कर रहा है, एनजीओ साथी बैग, विच ऑल्सो रन एन ओपन शेल्टर ऑफ काइंड नियर अ पुणे रेलवे स्टेशन, मतलब ये जो बच्चे इनको मिलते हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि ये अपने शेल्टर होम में लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, अपने शेल्टर होम में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है और रहने की जगह, और दूसरी चीज इनको एजुकेशन में भी आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। Was awarded to Basneri Award for the best open shelter home in Maharashtra. ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से करंट अफेयर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखिए और दूसरी चीज एक बार रिपीट करके इसको वापस देखिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, कोस्ट गार्ड, चलो बहुत अच्छी न्यूज है ये भी। आज जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आज जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऑयल ड्रिलिंग का, ऑयल ड्रिलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। देखिए, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड है,
इंडियन कोस्ट गार्ड ड्रिल टू टैकल द ऑयल स्पिल इन द सी रीजन। मतलब बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स के अंदर नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, अभी डीजी कौन है, राकेश पाल, ठीक है, उनके डायरेक्टर कौन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके डायरेक्टर कौन है, राकेश पाल। द नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज 9 द पीरियोडिकली एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू एक्सिस इट प्रिडेंस टू रिस्पॉन्ड एनी ऑयल स्पिल इवेंट द सी। मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल ऐसी एक्सरसाइज करती है कि जो ऑयल स्पिल समुद्र के अंदर हुआ हुआ रहता है, जैसे कोई कंटेनर है यूएसए से आ रहा है, तो यूएसए से कंटेनर जब आ रहा है तो कोई ऐसी दुर्घटना समुद्र के अंदर घट जाए जिसकी वजह से क्या हो जाए कि वो ऑयल समुद्र के अंदर गिर जाए, तो क्या होगा, समुद्र के अंदर क्या होगा, ऑयल स्पिल हो जाएगा। तो वो स्पिल को रोकने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करती है, एक्सरसाइज करती है। बिगिन इन जामनगर ऑन द फ्राइडे, स्पेशल फोकस ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ कहां पर है, गुजरात, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ का है गुजरात। रफ प्रोड्यूस 70% ऑफ द इंडियन मिनरल्स ऑफ द इंपोर्ट्स नूपीयर। मतलब गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में 70% ऑफ द मिनरल्स और द इंपोर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। यहां तक न्यूज समझ में आई कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने ड्रिल किया ऑयल स्पिल को। अब एक बात बताऊं मैं आपको, लिटरली बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है जो कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा देंगे और उसका डीप एक्सप्लेनेशन भी देंगे, चार ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे ये कर लेना। देखिए यूपीएससी एनडीए जो एग्जाम है थोड़ा सा लेवल टफ होता है, ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है जहां आप वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और निकल जाएगा। मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लेके आऊंगा कि पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चन आया, फिर उसके पिछले साल या कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी। तो मेरा ये टारगेट हमेशा रहेगा कि आपको जेन्युइन क्वेश्चन करवाऊं, इसलिए पूरा आर्टिकल उठा के लेके आता हूं। आर्टिकल उठा के लाने से क्या होता है कि आपको पूरा अंडरस्टैंड हो कि वो कंटेंट क्या पूछ रहा है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे, एलएनटी लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंशियल साइन फॉर फाइनेंशियल पैक्ट विद द एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 125 मिलियन का क्या लिया है, लोन लिया, ठीक है, क्यों लिया है आप देखते हैं। एलएनटी फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंस, एलएनटी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, said it has signed a financial agreement with the Asian Development Bank for 125 million to support the financial in rural and the pre-urban area in India, particularly for women worker. देखिए, इससे related एक question मैंने last में छोड़ा है, उसका जवाब भी दीजिएगा। और दूसरी चीज मेरा ये कहना है, जो कि गरीब महिलाएं होती है, जो कि rural urban area में रहती है, जिनके पास कोई ऐसी रोजगार नहीं होती है और वो housewife होती है ज्यादातर, तो पैसे का सोर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, एलएनटी ने फाइनेंशियल असिस्टमेंट लिए, किससे, किससे लिए, एडीबी से, और ये वुमेन्स को सपोर्ट करेंगे। कौन, एलएनटी, जो कि वुमेन्स को रोजगार मिलने में और उनको आगे प्रोत्साहन करने में मदद करेगा। देखिए वुमेन की स्थिति इंडिया में अभी भी स्टेट डाउन है और हमें यह देखना पड़ेगा कि उनको एम्पावरमेंट कैसे किया जाए। जब तक वुमेन एम्पावरमेंट किसी तरीके से ना बढ़े, जैसे फाइनेंशियल हो गया, मोरल हो गया, अगर एम्पावरमेंट नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि आप समाज में इक्वलिटी नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, आर्टिकल 16 देखा था, तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड ये क्या है, आर्टिकल है कि वुमेन्स को सपोर्ट करना है, उनको वुमेन्स को पैसे देने हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सके या किसी तरीके से वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाता है मनरेगा, मनरेगा ऑडिट अक्रॉस 50% लोकल बॉडीज इन जस्ट 6 डेज।
50% लोकल बॉडीज इन जस्टिस स्टेट। मनरेगा का फुल फॉर्म आपको बताना है और प्लीज कमेंट में इसको लिखिएगा, फुल फॉर्म बताना है मनरेगा का। हाई रेट ऑफ करप्शन इज वन ऑफ द प्राइमरी कंप्लेंट अगेंस्ट द स्कीम एंड द सोशल ऑडिट इन द इनबिल्ट एंटी करप्शन मैकेनिज्म एक्ट। तो बेसिकली मनरेगा जो कि आपको 100 दिन का रोजगार देता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देता है, जैसे कि कोविड टाइम पीरियड आया था तो बेसिकली लोग गांव चले गए थे, तो गांव में क्या है, ये जनरली रूरल लोगों के लिए, ठीक है, रूरल लोगों के लिए जो कि गांव में कोई दूसरा सोर्स के साथ साथ मनरेगा में भी जॉब कर सके और कुछ मिनिमम अमाउंट वो कमा सके। 100 डेज का रोजगार स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर अगर ऑडिट किया गया, वहां से देखा गया तो फॉल्स क्या होता है, बहुत से गांव में लोग अपना नाम लिखवा देते हैं मनरेगा में और वो कुछ काम तो करते नहीं और उनके अकाउंट में क्या आता है, पैसा आता रहता है। तो इस तरीके के फॉल्स ऑडिट हमने देखे। मोर देन 50% ऑफ ग्राम पंचायत, कुछ नोटिस किया, केरला इज द ओनली स्टेट टू कवर 100% ग्राम पंचायत। केरला एक मात्र ऐसा स्टेट है जहां 100% ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड मिला है और ये लिटरेसी में भी आ गया, हाई रेट ऑफ करप्शन इज वन ऑफ द प्राइमरी कंप्लेंट अगेंस्ट द स्कीम एंड सोशल बॉडीज इन द इनबिल्ट एंटी करप्शन मैकेनिज्म। मतलब हर स्टेट में करप्शन का बहुत ज्यादा चार्ज देखा गया है इसके अंदर, मनरेगा के अंदर। तो मनरेगा के बारे में थोड़ा सा जानना अनिवार्य था तो हमने इस चीज को देखा। चलो आगे बढ़े, ये देख लीजिए मैंने इससे रिलेटेड डायग्राम भी डाला हुआ है। ऑडिट पंचायत, केरला इज द ओनली स्टेट दैट कंप्लीट द सोशल ऑडिट फॉर द एक्टिविटीज डन अंडर द मनरेगा इन ग्राम सभा। देखिए ओडिशा भी है इसके अंदर और ये सब चीजें मैप शोइंग ग्राम पंचायत ऑडिट नेशनल फॉर्म मनरेगा ऑडिट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, जानने लायक न्यूज है। अग्नि इनिशिएटिव टू प्रमोट इनोवेशन बाय आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस। देखो सबसे पहली चीज, जो हम मेडिकल साइंस यूज कर रहे हैं तो हमारे जो फोर फादर्स थे जो कि एशियन टाइम पीरियड्स में, मिडिवल टाइम पीरियड्स में, उनके पास तो आज की तरीके की मॉडर्न साइंस नहीं थी बट स्टिल वो लोग लाइफ करते थे कि नहीं करते थे। और हमने ये देखा है कि उनकी जो प्रैक्टिसेस है, आयुर्वेदिक पद्धति से, तो वो क्या है, बहुत सुपीरियर साबित हुई है। तो इसीलिए हम लोग आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में आयुर्वेद को लाना चाहते हैं। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, सीसीआरए का फुल फॉर्म है। अग्नि का फुल फॉर्म क्या है, जॉन द आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव। अग्नि का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो याद रखना। और सीसीआरएस का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ठीक है। यहां तक समझ में आया, क्लियर हुई। नेक्स्ट, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है, ये भी याद रखना। सीसीआरए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। अब इसके एजेंडा क्या है, ये स्कीम के एजेंडा क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, टू प्रमोट द कल्चर ऑफ रिपोर्टिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस अमंग द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स। मतलब हमें क्या करना है, प्रमोट करना है हमारे कल्चर को आयुर्वेदिक साइंस में। अब हमको क्या करना है, प्रमोट करना है इसको आयुर्वेदिक साइंस में, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ सकेंगे। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स फॉर द रिपोर्टिंग देयर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एक्सपीरियंस इन वेरियस डिजीज एंड कंडीशन। मतलब जैसे हमने कोविड देखा तो कोविड में भी हमने बहुत सारी चीजें दी, जैसे कि आयुर्वेदिक में गिलोई, नीम, एलोवेरा, इस तरीके की जो सप्लीमेंट्स थे या इस तरीके के जो पेड़ थे उससे हमने सप्लीमेंट्स बनाए और उसको क्या किया, कोविड टाइम में हमने यूज किया। तो हमें क्या करना है, प्रमोट करना। टू डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर द वेरियस डिजीजेस, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड
देखिए हमें एजुकेशन पे भी ध्यान देना है। आज हम मेडिकल साइंस के साथ साथ किसको जोड़ना चाह रहे हैं, आयुर्वेदिक साइंस को। किसको जोड़ना चाह रहे हैं, आयुर्वेदिक साइंस को। तो ये हमारा सौभाग्य होगा और वर्ल्ड में हमारा वैसे भी परचम है, वर्ल्ड में हमारा वैसे भी परचम है किसको लेके, आयुर्वेदिक को लेके। हर कंट्री मानती है कि आयुर्वेदिक क्या है, बेस्ट है। ठीक है, तो हमें ये चीज सोचना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल 16 हमने देख लिया है। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हुए हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट और एज अ मेंटर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि प्लीज ये क्वेश्चंस को जरूर आप सॉल्व करा करिए और मुझे प्लीज कमेंट में लिखा करिए। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज जरूर मिलेगी। तो मेरा यही कहना रहेगा कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जिस भी बच्चे को एनडीए के लिए ज्वाइन करना है हमारे बैच, तो आ जाइए ओम फिनिक्स लर्निंग एकेडमी भोपला में। वी लॉन्च न्यू बैच फॉर आवर एनडीए एग्जाम। एड्रेस है अपोजिट लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल निगड़ी पुणे। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिए हुए हैं, बिल्कुल आप आ जाइए। और एक चीज और है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे क्या होगा ये जो पीडीएफ है आपको वहां मिल जाएगी और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, और इसकी एक ब्रांच और है जो कि साने चौक में है, तो बिल्कुल विजिट करिए और जुड़िए हमारे फैमिली से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में यही कहूंगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आप सबका धन्यवाद और आप सबको बहुत प्यार।